इकौना थाने में पुलिस क्षेत्राधिकारी एमपी शर्मा की अध्यक्षता में स्वर्णकारों की हुई बैठक, सुरक्षा व अन्य एहतियात के लिए दिए गए दिशा निर्देश। सावस्ती जनपद के इकौना थाने की तस्वीर, जहां पर पुलिस क्षेत्राधिकारी महेंद्र पाल शर्मा की अध्यक्षता में इकौना कस्बे के स्वर्णकारों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच के प्रभारी पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा थाना अध्यक्ष ने आए हुए दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बताया कि अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं, साथ ही अन्य सुरक्षात्मक तरीकों के बारे में भी व्यापारियों को अवगत कराया गया। इस दौरान इकौना इलाके के विभिन्न सुनार के दुकान संचालक व इस व्यवस्था से जुड़े लोग मौजूद रहे। इकौना समुदाय इकौना इलाके के थाना परिसर में इस बैठक का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मानिटर स्क्रीन लगाइए, आप डबल डीवीआर लगवा दीजिए, जितना लगवा दीजिए। कैमरा तो हर दुकान में होना चाहिए, बिना कैमरा के अगर आप ज्वेलरी की दुकान किए हैं तो आप असुरक्षित हैं, क्योंकि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर आप सामान दिखा रहे हैं उसी में से कोई उठा के रख लिया, आप क्या जानेंगे। तो अगर कैमरा है तो उसमें सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है कि आपको इतना सामान दिया गया था, आपने दो उठा के रख लिया, रखते हुए बैग में आएगा, पॉकेट में आएगा, रखते हुए दिखाई देगा, तो आप कह भी सकते हैं कि आपने निकाल के रख लिया। अच्छा, कोई अगर आदमी आता है आपकी दुकान में, आया कोई छीना जब्ती किया, कुछ लेके चला भी गया, तो कैमरे से एक रहता है हुलिया, कुछ नहीं तो हुलिया मालूम हो जाती है, ये फलाना आदमी है, ये दाढ़ी रखे है, गमछिया लगाया था, चाहे ढाटा बांधे था, मुंह बांधे था, मास्क लगाया था। कद काठी से हम लोगों को बहुत सहूलियत मिलती है, तो कैमरा तो मस्ट है। दूसरी बात, आप अभी सुने होंगे कि सोनवा में दुकान जैसे खोल रहे थे, लक्ष्मण नगर में सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, दुकान जैसे खोल रहे थे तो दो आदमी पहुँच गए, देखने से बहुत अच्छे लग रहे थे, अच्छा कपड़ा पहन रखा था, बढ़िया गेरुआ कलर की बांध रखा था, गमछिया लगा रखा था, और पता चला कि 5 लाख का हारी लेके गायब हो गया। दिखाए एक दो, फिर कहा कि और दिखाओ और दिखाओ, और वो ऐसे लेट गया उस पे काउंटर पे और अंदर तक उसे धमका धमका के एक प्रकार से, ये निकाल वो निकाल ये निकाल वो कर, वो इतना डर गए कि कुछ बोले नहीं। अभी फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये फोटो है, अभी फोटो, अभी कई फोटो है, हम लोगों के ग्रुप पे चला है, आप सबके पास, सबके पास फोटो आ गया, सब लोगों के पास है। अभी अच्छा, ये इनकी गैंग है, ये बर्दात कर, अभी बलरामपुर में भी किए हैं, सेम यही आदमी है दोनों, ये बलरामपुर में भी किए हैं, तो सतर्कता ही बचाव है। ठीक, अगर आप सतर्क रहेंगे तो पकड़े भी जा सकते हैं। तो इसे कस्बा में भी पिकेट लगा दी गई है, चूहा चौराहे पर पिकेट है, 24 घंटे पिकेट है, 24 घंटे तुरंत आप 112 की हमारी मोबाइल भी घूम रही है, पैदल गश्त भी हो ही रहा, आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी आपकी सतर्कता हो तो ये पकड़े जाएंगे। ये बात, एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात, चलिए जो ये तो जो क्राइम था जो हुआ है परसों, उसके बारे में सबने बताई दिया है। एक क्राइम और चल रहा है जो साइबर क्राइम, साइबर क्राइम वो है जो मोबाइल का प्रयोग होता है, इंटरनेट का प्रयोग होता है, और उससे आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। वो आदमी गुजरात में बैठा है, बिहार में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, आपको पता नहीं, वो आपका अपना बनता है, आपको विश्वास में लेता है और फिर धोखा करता है। जैसे अपना कैसे बनेगा, बताएगा कि आपका ये मोबाइल बंद होने वाला है, जो आप चला रहे हो मोबाइल ये बंद होने वाला है, तो स्वाभाविक है कि जो भी आदमी ये बात सुने कि मेरा मोबाइल बंद होने वाला है तो कहेगा कि उसका निदान क्या है, तो वो बताएगा कि ठीक है आपका जो है KYC जमा करना है, तो आप अपना आधार कार्ड बताइए, पहले सामान्य सी चीज़ों को पूछेगा और फिर उससे वो अपनी मतलब वाली चीज़ें पूछेगा। जब उसको लगने लगेगा कि आप उसके झांसे में आ रहे हो, तब वो अपनी मतलब की चीज़ निकालेगा। इस तरह से करते हैं मोबाइल का कि मोबाइल बंद होने वाला है, ये कह करके करते हैं। दूसरा कहते हैं कि आपका खाता बंद होने वाला है, आपका ATM कार्ड बंद होने वाला है, इस तरह से कह करके भी अपराध करते हैं। तो किसी भी दशा में आपको उनके झांसे में नहीं आना है, ठीक है। आपको अगर मोबाइल बंद हो रहा है तो ठीक है, जहां से हमने सिम लिया है वहां से हम समझ लेंगे,
नहीं तो है भाई, आप सिम तो उसने दिया नहीं है, सिम तो आपने अपने किसी अगल बगल से ही लिया होगा, तो ठीक है बंद हो रहा है तो हम चले जाएंगे वहाँ, कोई बात नहीं। अगर हमारा खाता बंद हो रहा है ठीक है हम बैंक चले जाएंगे, बैंक आपके कस्बे में ही तो होगा या 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर होगा। एटीएम बंद हो रहा है कोई बात नहीं हम बैंक चले जाएंगे। तो उनके जो झांसे में ले रहे हैं, आपका सुचिंतक बन रहे हैं, आप इतना चिंता कर रहे हैं, वो उनके झांसे में मत आइए, इसका निदान तो ये है। और भी तरह के क्या है मैसेज आएंगे आपको कि आपकी लॉटरी निकली है ठीक है, या जो बेरोजगार है उनके लिए मैसेज आता है कि जॉब मिल रही है, बेरोजगारी बहुत है, काम आदमी को आता हो चाहे ना आता हो लेकिन उसको 15,000-20,000 वाली सैलरी की जरूरत रहती है, तो वो आपको झांसा देंगे कि आपको सैलरी नौकरी मिलेगी या फिर आपको लॉटरी मिल रहा है। तो ऐसे भी झांसे में लोग आ जा रहे हैं और झांसे में आकर के वो जो खाता नंबर बताते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन के नाम पर, GST के नाम पर कि 1.5 लाख की है आपका लॉटरी तो इतना GST जमा कर दीजिए, इतना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, तो इस तरह से कह करके भी आपसे पैसा वो जमा करा देंगे। ये हो गया। एक और चला है कि आप जो है कोई व्यवसाय करते हो, आपका अपना बन करके कोई बनेगा फोन करेगा कि हम फलाने बोल रहे हैं, मिलती जुलती किसी की आवाज़ है आपको मान लो, कहेगा ठीक है तो यार हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है, आपको हम 2 रुपया आपके खाते में भेज रहे हैं कि आप चलाते हो तमाम है, पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोनपे है, तो आप कहेंगे यहाँ चलाते हैं, तो आपसे बातों बातें में आपका जो UPI पिन है जो लोग इस्तेमाल करते हैं नहीं जानते UPI पिन वो आपसे पूछ लेंगे, और पूछ करके फिर खाता आप जब उसको अपना स्कैन भेज देंगे, पहले वो अपना भेजेगा आपको विश्वास हो जाएगा, फिर आपसे मांग करके आपके खाते में जितने पैसे हैं वो सब उड़ा लेंगे। इस तरह से भी अपराध हो रहे हैं। इसी तरह से कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन जा करके एजेंसी लेने का प्रयास करते हैं, ऑनलाइन आप जैसे दुकानदार हैं सुनार हैं तो ऑनलाइन जा करके देखते हैं कि कहाँ कलकत्ता की कोई कंपनी है जो कि छोटे मोटे सामान बना रही है उससे हम मंगा लें, तो जब आप जाते हैं उसमें इंटरनेट पर तो तमाम ऐसे मिलते जुलते हुए नाम वाले अपना बना लेते हैं, जैसे हीरो मोटर कार आपके कश्मीर में अपराध किया शायद किसी की जानकारी है, तो उन्होंने क्या किया कि हीरो का एजेंसी उनको लेना था, और एजेंसी लेने के लिए जब वो गए हैं इंटरनेट पर तो उनको हीरो मोटर कार के ओरिजिनल कंपनी से मिलता जुलता एक पेज मिला, और उस पेज को उन्होंने लाइक किया, और उस पर जब वेबसाइट पर गए हैं तो उन्होंने अपना फार्म फिलअप किया, फिलअप करने के बाद अपना पूरा डिटेल दिया, डिटेल देने के 2 घंटे बाद उनके पास फोन आता है, और कई चरणों में कई लोग उनसे बात करके, और उनसे पहले 32,200 रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फिर 10 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करना चाहते थे लेने के लिए एजेंसी, और उस नाम पर उनसे 6,87,000 रुपये उन्होंने ठग दिए, और जब उनसे कहा गया कि इतना तो हो गया है अब आप जो है और पैसा दीजिए, तब उनको आभास हुआ कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है, तो उन्होंने साइबर सेल की सेवा लिया सरावस्ती की, और उसमें मुलजिम पकड़े गए हैं, जेल गए हैं, उसमें अभी और कार्रवाई चल रही है। तो इस तरह के अपराध हो रहे हैं, ये बहुत समय है इसका, इतना बड़ा विशाल है जो क्राइम का है, साइबर क्राइम का, उसमें घंटों बात की जा सकती है।